करने जा रहा हूं। आज हमारे बीच उपविभाग प्रमुख शिवसेना के माधव जी अंबेकर है। मैं महादेव जी अंबेकर से अनुरोध करता हूं कि आप स्टेज पर आ जाए। महादेव जी अंबेकर प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। महादेव जी अंबेकर के स्वागत के लिए क्रैकर्स जरा बजाए जाए। क्रैकर्स, अपने क्रैकर्स, रवि सर आपके क्रैकर्स नहीं बज रहे। महादेव जी अंबेकर का स्वागत जोरदार तालियों से होना चाहिए, जोरदार तालियां, और साथ में क्रैकर्स तो है ही। तालियां इतनी महादेव जी अंबेकर के टीम के दूसरे सदस्य अर्जुन भाई शिंदे को बुलाना चाहता हूं। अर्जुन भाई प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। अर्जुन भाई आप स्टेज पर आ जाइए। और 135 के शाखा प्रमुख अनवर दलवी साहब, मुझे नंबर का मेरा प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, नंबर से मेरा पहले ही दुश्मनी है। अनवर दलवी साहब, अनु भाई जोरदार तालियां हो जाए अनु भाई के लिए। अनु भाई हमारे लिए हमेशा रूबी के साथ जुड़े रहे, ब्लू एंजल के साथ जुड़े रहे और मेरे साथ जुड़े रहे स्पेशली। कलाम भाई शाखा प्रमुख अनवर सैयद भाई, अनवर भाई आप ही आ जाइए स्टेज पर। उपविभाग संगठक रमेश कोहली साहब आप भी आ जाइए स्टेज पर जरा। ये अंबेकर साहब की पूरी टीम हमारे साथ आज मौजूद है। मैं अंबेकर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ अंबेकर साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद रहे और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। साथ में ही चौहान सर यहाँ पर है, चौहान सर आप भी आ जाइए। मैं अब ऐसे शख्स को आवाज देने जा रहा हूं कि जिनके बगैर ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता अगर नवाब भाई का ये ग्राउंड नहीं होता। आज नवाब भाई ने इस ग्राउंड को जिंदा रखा है, तो नवाब भाई को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ नवाब भाई स्टेज पर आ जाइए। बजती रहनी चाहिए तालियां जब तक कि नवाब भाई स्टेज पर ना पहुंचाए, इसलिए कि नवाब भाई के बगैर यहां पर इस जगह पर कोई प्रोग्राम कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जोरदार तालियां हो जाए नवाब भाई के लिए। नवाब भाई की तबीयत नासाज रहते हुए भी नवाब भाई हर प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं हमारे साथ, इनके लिए जोरदार तालियां हुई। शुक्रिया आप लोगों का। मैं नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल के सुपरवाइजर योगेश सर को भी स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। योगेश सर आप भी स्टेज पर आ जाइए। मैं रज्जाक सर को भी स्टेज पे बुला लेता हूँ। रज्जाक सर आप भी स्टेज पर आ जाइए। एक साथ बहुत सारे मेडल देने हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूनिटी एजुकेशन सोसाइटी के चीफ मैनेजिंग ट्रस्टी अब्दुल्ला खान साहब को कि आप आए और अंबेकर साहब को बुके पेश करें। अब्दुल्ला खान सर, मैंने आखिर स्टेज पे बुला लिया अब्दुल्ला। अरे तालियां तो होनी चाहिए कम से कम। दो काम मैंने कर दिया, दो इम्पॉसिबल बातें थी, एक तो अंबेकर साहब को स्टेज पर लाना और दूसरा अब्दुल्ला सर को स्टेज पर लाना। आखिर उस्ताद ने शागिर्द को बुला ही लिया। ये उस्ताद है अब्दुल्ला सर के छेले हैं, शागिर्द बड़े प्यारे शागिर्द। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमर मिस को, कमर मिस आप जो है ये कलाम खान कलाम भाई को बुके पेश करें। कलाम भाई तालियां होती रहनी चाहिए। बच्चों हमारे मेहमान हैं, मेहमानों के लिए तालियां होती रहनी चाहिए। अगेन कमर मिस यू हैव टू गिव वन मोर बुके टू अर्जुन शिंदे अर्जुन भाई शिंदे को आप बुके पेश करेंगे।
मैं जावेद सर से रिक्वेस्ट करता हूं, जावेद सर आप अनवर दलवी साहब को यानी हमारे अन्नू भाई को बुके पेश करें। जावेद सर आप बुके जो है वो रमेश कोहली साहब को भी पेश करें। रमेश कोहली साहब अगला बुके कलीम सर पेश करें। अनवर सैयद अनवर भाई को कलीम सर ये जरा तालियां बजती नहीं ये तालियां है। हाँ ये तालियां थी, अभी अगले भी बजाना है। कलीम सर बुके पेश करें आप। योगेश सर को नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल के सुपरवाइजर योगेश सर को आप बुके पेश करें। योगेश सर प्लीज एक्सेप्ट। आगे कलीम सर आपको और बुके देने हैं। रज्जाक सर को आप बुके पेश करिए। रज्जाक सर वेलकम। समी भाई आपका इस्तकबाल है। आगे जावेद सर आप जरा बुके पेश करिए। संजय चौहान साहब को मैं चाहता हूं कि ये बुके मैं खुद पेश करूं। नवाब भाई को मैं खुद बुके पेश करूं। नवाब भाई को बुके पेश मैं खुद करूंगा। पेरेंट्स ये खामोश मिजाजिया है ना, हमें जीने नहीं देती। अगर कुछ आप देखना अच्छा चाहते हो थोड़ा शोर मचाइए तो हम कुछ अच्छा दिखाएंगे आपको। आपकी तालियों की आवाजें सुनाई नहीं देती तो हम लोग के अंदर भी जोश नहीं आता है। आवाज तालियां तालियां आवाज। एनर्जी खत्म हो गई है, थोड़ी एनर्जी पिला दीजिए, मंगवाइए आर एस। मैं चाहता हूँ कि समी भाई हमारे साथ जुड़ गए, समीउल्ला भाई को बुके पेश करेंगे। कलीम सर क्विक प्लीज। समीउल्ला भाई को आपका स्टूडेंट है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो गुरु चेला मिलन करवा भी दिया। अभी ताली क्यों नहीं बजी? हाँ इससे पहले के मेडल्स दें मैं आवाज दूंगा माधव जी अंबेकर को कि हमारे शिवसेना उपविभाग प्रमुख माधव जी अंबेकर साहब आप यहाँ मंच पर आए, दो शब्द कहें और फिर हम मेडल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। और आपके छत्र छाया में ब्लू एंजल चलती है, इसका आप ख्याल रखें। आज ब्लू एंगल इंग्लिश स्कूल के माध्यम से हम लोगों को यहाँ निमंत्रित किया, इसके लिए ब्लू इंग्लिश स्कूल के सभी मंडल का और टीचर लोगों का मैं खुद दिल से अभिनंदन करता हूँ। हमारे सज्जद भाई माफारी सर और कलीम सर दोनों भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे अच्छे दोस्तों में से है। बहुत सारे मान्यवर मुझे जानते हैं और आज जो सम्मान हम लोगों को दिया है यहाँ बुलाए हैं, इसलिए वापस सभी गोंडी के पालक और उनके बच्चों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपके बच्चे आज जो यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, हम बैठ के देख रहे थे कि कौन बोलता है कि गोंडी बैगनवाड़ी के अंदर अच्छे बच्चे नहीं है, उनमें टैलेंट नहीं है। बहुत सारा टैलेंट उन बच्चों में है। भाई और बहनों
मैं आज आपको वापस दोहराना चाहता हूं कि गोंडी के बच्चे भी बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे उद्दे पे काम कर सकते हैं और अच्छे बन सकते हैं। हमारे बच्चों को योग्य मार्गदर्शन अगर गाइडेंस होगा तो आपके बच्चे आईएएस आईपीएस बड़े बड़े उद्योग के डॉक्टर इंजीनियर प्राध्यापक एडवोकेट डॉक्टर हो सकते हैं। मैं उसमें से एक उदाहरण देता हूं, मेरे नबू भाई हमारे अच्छे दोस्त है और योगा योग से नबू भाई और मैं एक ही गांव का हूं। मुझे उनके बारे में बहुत गर्व है कि वो मुझे गोंडी जैसे इलाके में संभाल के लेते हैं, समझ लेते हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भाइयों, गोंडी के बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं। उसमें का उदाहरण मैं मेरे घर का देता हूं। मेरा 81 में यहाँ बैगनवाड़ी में आना हुआ, जब तो यहाँ का इलाका अभी तो भी अच्छे अच्छे मकान घर दिख रहे हैं और लाइटिंग में प्रोग्राम हो रहा है। जिस दिन मैं इधर आया 81 में, हम वो कांच के दीवे के ऊपर रहते थे, नबू भाई को अच्छी तरह से मालूम है। अब जब हम कांच के दीवे पे यहाँ रहते थे, पतरे के रूम थे, तब से गोंडी में 38 साल से मैं यहाँ रहता हूं और 38 साल के अंदर हमारे भी बच्चे आपके जैसे यही पैदा हुए हैं, यही बड़े हुए हैं और यही उनकी शादी होके आज अच्छे उद्योग के ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चों, तुम्हारे सामने जो मेरे घर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मेरा एक बड़ा लड़का डॉक्टर है, जिसका चिताग्राम में माँ हॉस्पिटल है। मेरा दूसरा लड़का इंजीनियर है और बहुत अच्छी सी पगार पाता है। मेरी बड़ी बहू डेंटिस्ट डॉक्टर है, छोटी बहू कंप्यूटर इंजीनियर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम पालक लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में देना चाहिए। अगर अंबेकर साहब, अंबेकर भाई आपका पड़ोसी यहां रह के अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अपने वो बच्चे स्कूल में बराबर जाते कि नहीं, पढ़ाई बराबर करते कि नहीं, या हमारा एरिया का इलाके का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। अभी वो बिगड़े हुए बच्चों में हमारे अगर बच्चे शामिल हो गए तो हमारे बच्चों के दिन खराब आने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हमारी माँ बाप, हमारे बड़े पालक लोगों का कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान दें। अगर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दोगे, उनको पढ़ाई के तरफ आकर्षण करोगे, अच्छे अच्छे टीचरों के माध्यम से उनको क्लासेस लगाओगे, तो नक्की गोंडी के तुम्हारे बच्चे भी कल के आईएएस आईपीएस यहां से दिख सकते हैं। ये बोलने का मकसद एक ही है भाइयों और बहनों कि गोंडी का नाम बहुत खराब हुआ है। हम बाहर इलाके में जाते हैं, आप समझदार पालक हो और मेरी बातों पे गौर से ध्यान दो और आप समझ सकते हैं इस बात को। हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे लोगों के ऊपर अगर कोई हमारा बच्चा इधर काम मांगने के लिए जाता है तो पहले पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हो। वो अगर बोलेगा मैं गोंडी में रहता हूं, इतना टैलेंट होने के बाद, अच्छा बच्चा होने के बाद उसको काम नहीं मिलता, ये दुख से कहना पड़ रहा है। उसका रीजन हमारे एरिया का माहौल बिगड़ा हुआ है। अगर ये माहौल को दुरुस्त करना है, आप सबको समझना पड़ेगा कि हमको घर से हमारा बच्चा निकलने के बाद घर पे आने तक उसके तरफ बहुत गहराई से ध्यान देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे, अभी नबू भाई को मालूम है, हम जब छोटे थे
स्कूल में जाते थे तो हमारे लोगों को अगर टीचर मारते थे तो हमारे माँ बाप कभी उनको पूछने के लिए नहीं जाते थे कि आपने अपने बच्चों को क्यों मारा, उल्टा बोलते थे कि और फटका दो दो सर ताकि ये सुधर जाए। मगर आज के पालक, हमारे समझदार पालक, अगर टीचर से किसी को एक आधा छोटा सा चाटा भी मारा, टीचर का मकसद तो दुश्मनी नहीं होता, टीचर का मकसद एक ही होता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े और मेरे स्कूल का नाम अच्छा रोशन करे। मगर छोटे छोटे बात के लिए टीचर लोगों के साथ में हम लोग आके झगड़ा करते हैं, बिल्कुल करना नहीं। ज्यादा बहुत बड़ी समस्या होगी तो उसके लिए हम लोग है ही आपके साथ में, क्योंकि मैं भी पालक हूँ। मगर छोटी छोटी बात के लिए टीचरों से झगड़ा करने का नहीं, उनको थोड़ा मौका देने का, मुक्ति देने का, सर हमारे बच्चों को अच्छा से पढ़ाओ, अगर ये गलती करता है तो हम आपको पूछने के लिए नहीं आएंगे। मैं आज ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ, मैंने 38 साल में ये डंपिंग देखी, कचरा देखा, यहाँ का रात को हम लोग रहते हैं तो इस माहौल में हमारे बच्चे लोगों को आज अच्छी अच्छी बीमारी पकड़ रही है। हमारे घरों में कितने लोगों के अंदर बच्चे लोगों को टीबी का, अस्थमा का, बड़ी बड़ी कैंसर के जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए जवाबदार हम सब पालक और यहाँ के नागरिक हैं। क्यों, यहाँ की जो डंपिंग है इसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है, मगर हम लोग रात दिन और हमारे यहाँ के जो घर घर में नेता बने वो लोग पैसे के लिए खींच रहे। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ भाई भाई लोग, अगर गोंडी के अंदर हम सब पालक नागरिक समझदारी से मुकाबला करेंगे, वहां उस टाइम पार्टी नहीं देखने का, ये शिवसेना वाला है, ये कांग्रेस वाला है, ये समाजवादी वाला है, ये बीजेपी वाला है, ये कौन से पार्टी का है, आपको देखना पड़ेगा हमारे इलाके में काम करने वाला कौन अच्छा इंसान है। अगर उस तरफ आप ध्यान दोगे तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं ये डंपिंग कभी भी बन सकती है, बंद हो सकती है, और इसके बंद करने के लिए हमारे रगों में वो चीज होना चाहिए कि इसको बंद करने का मुकाबला करने की ताकत जो होती है वैसे लोगों को सामने लाना चाहिए। अब दूसरी बात, ये यहाँ की एसएमएस कंपनी है, एसएमएस कंपनी से हमारे बच्चों लोगों को रात में आप देखो ये कंपनी से जो धुआं निकलता है, ये धुआं कोई हिंदू को पकड़ता है, कोई मुसलमान को पकड़ता है, कोई क्रिश्चियन को पकड़ता है, या कोई किसी को पकड़ता है, ऐसा तो नहीं ना, यहाँ तो हम सब रहते हैं, हम सबको पकड़ता है, हमारे बच्चे लोगों को पकड़ता है। अगर वो धुआं बंद नहीं हुआ तो हमारे बच्चों के बदन में श्वास के माध्यम से, हवा के माध्यम से जहर जा रहा है, अगर वो जहर हमारे कल के बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ेगा तो वो एसएमएस कंपनी को बंद करने के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। उसमें सभी पार्टियों के नेता लोगों को, जो खुद को नेता मानते हैं, नेता समझते हैं, उनको आगे आना चाहिए, तब गोंडी का नाम भी बदलेगा, गोंडी का हमारे बच्चों का भविष्य भी बदलेगा, और गोंडी में हमारे वजनदार माहौल तैयार करने के लिए आप सबको मिलके ये जो मैंने जो छोटी मोटी दो बातें बोला है, मैं इधर उधर रहता नहीं, मैं आपके इस रोड से सीधा जाओगे तो 16 नंबर का कॉर्नर मेरा घर है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं 38 साल से झेल रहा हूँ, केवल राजनीति के वजह से हमारे एरिया का माहौल खराब हो रहा है, राजनीति के लोग जो भी कोई होते उसमें अंबेकर होने दो या अन्य पार्टी के कोई भी लोग होने दो, ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, इनको कोई किसी की पड़ी नहीं है। यहाँ बाहर से आते हैं लोग, चुन के जाते हैं और हमारे एरिया का नाम तक आगे तक नहीं लेके जाते। इसलिए भाइयों और बहनों, यहाँ चुनाव का माध्यम नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, ये आज जो मैंने मेडिकल या जो ऐसे चीजों के ऊपर जो 2-3 बातें बोला है, इसके ऊपर आप गौर से ध्यान दो। एसएमएस कंपनी भी हटाएंगे,
और ये डंपिंग भी हटाएंगे जब हम सब आप एक साथ रहेंगे। जय हिंद, जय महाराज। मेरे शब्दों में से कोई गलत शब्द निकल गया होगा तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, मुझे माफ कर देना। जय हिंद, जय महाराज। थैंक यू अंबेकर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। जरा एक बार वो पुनेरी ढोल जरा मुझे सुनाइए, जरा मैं पुनेरी ढोल आपको भी सुना रहा हूँ, मैं अकेला नहीं सुन रहा हूँ। मैं तो बोलूँ कि महाबली सर अकेले ही मजा ले रहे हैं। इस बीच में क्या करना चाहिए बच्चों ने? नाउ आई हैंड ओवर टू शेखा मिस फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। First standard started, Nazimis. We are requested to Ambekar sir. First standard, Yusuf Altamash, Ayan, Faisal, Habiba, Kazim come on a stage. Sheikh Yusuf Qureshi Altamash, Sheikh Ayan. Sheikh Faisal. Umme Habiba. Sheikh Sufyan. Tandem Habiba. Sheikh Kumail Raza. Ansari Asia. Khan Aftab. Sheikh Asad.
काफी है, वो उनको कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप लोग भी तालियां बजाते रहिए, तालियों के बाद आनी चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। ठीक है, आप अपने हाथ को बजाते रहे, बच्चों का हौसला अफजाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच। बाकी है।
अच्छे प्रोग्राम बाकी हैं आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए। अभी कवाली का प्रोग्राम बाकी है, बच्चे हमारे रेडी हैं, आप एंजॉय कीजिए। आपके लिए खास तौर से कवाली अरेंज किया गया है पेरेंट्स के लिए, तो प्लीज देखिए आप लोग खामोशी से बैठिए, कोई जाएगा नहीं। फिर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, लास्ट में रखेंगे उसको। टीचर्स सारे पेरेंट्स को बिठा दीजिए, डबल प्राइज। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होगा, वेल डिसिप्लिन होगा, वेल ड्रेस्ड होगा, टॉपर होगा, उसको साइकिल दिया जाएगा प्राइज में। तो प्लीज आप लोग एकदम खामोशी के साथ बैठे रहिए। अभी बच्चों को तो बुला लिया गया है ऊपर में, अदान हो रहा है प्रोग्राम थोड़ा। हाँ, आवाज दिया नीचे, प्लीज आवाज दिया नीचे, अदान हो रहा है। पारी सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। अरे मंच से प्रोग्राम से नहीं, स्टेज से विदा कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। महादेव जी, अंबेकर, थैंक यू। शमी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया।